हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका FX गुरु चैनल पर। मेरा नाम है अरबाज मलिक, मैं हूँ एक FX एंड क्राउड आर्टिस्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एक स्क्वाड फायर इफेक्ट बनाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में शॉर्ट के थ्रू फायर निकाल लें, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फायर निकाल सकते हैं। देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक मोड पे है, उसमें एनिमेशन नहीं है, तो उससे फायर निकालना बहुत ईजी है। मैं पिछली वीडियोस में भी काफ़ी बार बता चुका हूँ। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट एनिमेटेड में है तो उस पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसकी टेक्निक थोड़ी सी अलग होती है, ठीक है। तो वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो मैंने यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट करा सकता है, मैंने मिक्सम से ये डाउनलोड किया था नाइट एनिमेशन के साथ, हीरा ओके। ये मैंने मिक्समो से डाउनलोड कर लिया था, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको लिए सबसे पहले आप FX कैरेक्टर इंपोर्ट लेंगे एंड उसमें वो फाइल डाल देंगे जो आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसको एनिमेशन देने के लिए, क्योंकि अभी एनिमेटेड नहीं होगी अगर आप इसको इंपोर्ट कराएंगे इसमें FX कैरेक्टर इंपोर्ट में, तो उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा बोन डिफॉर्म। तो ये उसकी स्केलेटन जो होता है उसका, उससे इसके मैश को मैच कर देता है, या फिर कह सकते हैं कनेक्ट कर देता है, ओके। तो अभी देखिए इस तरह से वर्क कर रहा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे ये पूरे इसमें फायर नहीं लगानी है, मुझे सिर्फ इस शॉर्ट में फायर लगानी है। तो मैं इसको ब्लास्ट कर लूँगा यहाँ से, ब्लास्ट एंड ब्लास्ट करेंगे। अब इसके थ्रू करना है यहाँ पे, ये मैनुअली ये सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो इस मैनुअली ये सिलेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो उसके थ्रू आप ऐसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट करोगे तो वो तरीका सही नहीं है। इस आपको जाना है यहाँ पे, इस पे सिलेक्शन ग्रुप और कनेक्टेड ज्योमेट्री पे, इस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जाएंगे और एट्रीब्यूट्स पे जाके आप नेम मटेरियल वगैरह पे जाके इसके थ्रू आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया इसको, ये देखिए एंड एंटर, एंटर किया, ये यहाँ से गायब हो गई, ओके। अब मैं इस पे लिख दूंगा यहाँ पे, ये तो हो गया जिसमें शॉर्ट नहीं है, तो इसको लिख देते हैं नाइट, ओके। एंड इसी को कॉपी करेंगे और इसको लिख देंगे डिलीट नॉन सिलेक्टेड, तो यहाँ पे हमारी शॉर्ट रहेगी, और इसको लिख देंगे शॉर्ट। तो अब हमें इस पे वर्क करना है, तो मैं इसको ऐसे रहने दे दूँ और इसके नीचे नल लगा के मैं दूसरे उसमें ले जाऊँगा ज्योमेट्री में। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे एंड बाहर जाएंगे, इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा। यहाँ पे एक और ज्योमेट्री लेंगे और इस पे लिख देंगे सिम, और मैं यहाँ पे इसको कलर वगैरह कर लेता हूँ, थोड़ा सा सही लगता, ओके। इतना करने के बाद इसके अंदर जाएंगे सिम के, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट मर्ज लेंगे एक, इसके अंदर उसको पेस्ट कर देंगे जो हमने नल वहाँ से कॉपी किया था, सेम टू सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ओके। तो हमारे पास ये शॉर्ट आ गई है एनिमेशन के साथ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो अपर पार्ट है जिसमें हम फायर एमिट कराएंगे जिससे, उसको भी ब्लास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ से वो पकड़ रहे हैं वहाँ से फायर एमिट नहीं होगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये घोस्ट राइडर की शॉर्ट नहीं है, तो ये सिर्फ अपर साइड से ही फायर एमिट करेगी। तो मैं यहाँ पे एक ब्लास्ट लगा दूंगा, ब्लास्ट, और इसको सिलेक्ट कर लेंगे अपर पार्ट को। अब इस पे आपको विदाउट इसके सिलेक्शन के सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली ऊपर से ऐसे सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखिए सिलेक्ट हो गई, एंड देन एंटर, और इसके थ्रू कर देंगे डिलीट नॉन सिलेक्टेड, तो ये पार्ट आ जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका कुछ स्पेस खुला रह जाता है, ज़रूरी नहीं है इसको भरे, क्योंकि हम इसके थ्रू पहले पार्टिकल स्कैटर करेंगे, तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे पॉलीफिल डाल सकते हैं, पॉलीफिल, ओके, एंड ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं लगता इसको करें, मैं इसको हटा देता हूँ। और नॉर्मल अभी मटेरियल को मैं हटा दूँ तो ये यूवीज़ ऐसे दिखेंगे, एंड यहाँ पे कुछ यूवीज़ ब्लैक ब्लैक भी हो रहे हैं, तो इसके नॉर्मल को थोड़ा बेटर कर लेंगे नॉर्मल वाइज, ओके, नॉर्मल भी ठीक हो गए। अब मैं इस पर सीधे स्कैटर लगाता हूँ, स्कैटर्स, एंड देन स्कैटर के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें क्या करना है, अगर मैं इसको नॉर्मली इसी को सोर्स बना के फायर एमिट करूँ, तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी फास्ट मूव हो रही है, ठीक है। ये देखिए कितनी तेज़ मूव हुई, तो यहाँ पे वो एक जैगी लुक आप देखेंगे यहाँ पे पहले यहाँ बनेगा, फिर यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे बनेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं इसके थ्रू एक पार्टिकल सिमुलेशन करूँगा, एंड उस पार्टिकल सिमुलेशन को बाद में रेस्टराइज करके सोर्स बना के फायर एमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके थ्रू पार्टिकल एमिट करने हैं, तो पार्टिकल यहाँ पे हैं, एंड यहाँ पे लगाऊंगा मैं पॉप नेटवर्क लगा लिया मैंने, एंड देन इसके अंदर गए और यहाँ सोर्सिंग में गाइड को ऑफ करेंगे। यहाँ सोर्स है स्कैटर ऑन टू सर्फेस, लेकिन हम पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, तो
तो मैं पॉइंट को थ्रू ही करूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा पॉइंट्स, ओके, एंड इसको बढ़ा देंगे। ये देखो, अगर हम फायर डायरेक्टली उसी के थ्रू निकालते तो देखिए फायर भी इसी तरह से निकलती है आपकी, ये इफेक्ट आता है, तो ये बहुत ही बुरा लगता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम सिमुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है हमारे पास। अगर मैं बाहर जाऊँ और इस स्कैटर पे देखूँ, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, नॉर्मल प्रिमिटिव यूवीज है। तो यहाँ वेलोसिटी लाने के लिए, इसकी मूवमेंट को कैच करने के लिए, मैं यहाँ पे ट्रेल नोड का यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ से इसकी वेलोसिटी को कंप्यूट कर लेंगे, कंप्यूट वेलोसिटी, तब यहाँ पे हमारे पास एक वेलोसिटी है, ठीक है। अब चेक करते हैं पॉप नेट पे किस तरह से बिहेव करेगी, एंड ये देखिए अब ये मूव हो रही है सारी, ओके, एंड ये काफ़ी तेज़ मूव हो रही है, इतनी तेज़ नहीं चाहिए हमें, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बर्थ पे जाके पहले तो मैं इसका एमिशन रेट बढ़ा दूंगा 10,000, उसके बाद एट्रीब्यूट जो है इसको कर देंगे एड टू इनहेरिट। तब देखिए ये थोड़ा सा खुल के एमिट हो रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी को कम करना होगा। मैं करता हूँ 0.02 करके देखते हैं पहले एक बार, ओके, एंड इसकी मैं थोड़ी सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम करूँगा यहाँ से 0.03, एंड यहाँ पे 0.01, लेट्स सी कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कम हो गए, मैं इसको 5 कर दूँगा, अभी भी ज़्यादा कम है, इसको 8 कर दूँगा, अब देखते हैं एक बार चला गया। तो ये देख रहे हैं आप, जब ये ज़्यादा फास्ट मूव हो रही है तो यहाँ पे बीच में गैप आ रहा है, तो इसी गैप से हमें बचना है, मतलब ये गैप हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वरना सोर्स हमारी बिल्कुल ख़राब बनेगी। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको 1 कर दूँगा आई थिंक, तो ये थोड़ा बेटर चलेगा। एंड इस गैप को भरने के लिए मुझे इसके सब स्टेप बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अभी भी काफ़ी आ रहे हैं, ये देखो, तो इसका सब स्टेप को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो सब स्टेप को इंक्रीज़ करते ही ये थोड़ा सा बेटर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पे सब स्टेप पे जाता हूँ, और सब स्टेप 2 या 3 या 4 करने से कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा स्पीड है तो आपको सब स्टेप भी बढ़ाने पड़ेंगे। कम स्पीड होती है, मान लो कि कोई कार जा रही है तो उसकी कम स्पीड होती है, तो वो 2 या 4 में सब स्टेप में हो जाता। तो मैं इसको 10 दे देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले बनाई है तो मुझे पता है 10 सब स्टेप, एंड इसको चलाते हैं। तो ये थोड़ा सा हैवी हो गया, लेकिन अभी देखते हैं जब ये फास्ट मूव करेगा तो किस तरीके से इसमें पार्टिकल एमिट होंगे, ठीक है। सब स्टेप क्या करता है ये भी बता देता हूँ। सब स्टेप क्या करता है, 0 से 1 के बीच में वो 10 बार उसको रन करेगा, जितने भी सब स्टेप होंगे उतने टाइम उसको रन करेगा, तो वो और इन्हेंस कर देगा सिमुलेशन को और एक्यूरेट कर देगा। तो आप देख सकते हैं जब इसने पूरी स्पीड से शॉट को घुमाया, हर उसके जो पार्टिकल हैं वो हर लोकेशन पे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं से चलता हूँ। पॉप फोर्स थोड़ी सी एम्पलीट्यूड वगैरह, तो और थोड़ी सी बेटर सिमुलेशन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अप फोर्स डाल देता हूँ 1, एंड थोड़ी सी एम्पलीट्यूड और सोलनेस, ठीक है, ये डाल दे, थोड़े से पार्टिकल में मोशन आ जाएगा अच्छा सा। एंड इसके बाद इसको कॉल आउट करा लेंगे बाहर, डॉप इम्पोर्ट, एंड यहाँ पे इसको उठा के यहाँ डाल देंगे, एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पॉप, तो जो भी ऑब्जेक्ट नाम पॉप के नाम से होगा वो वहाँ पे ले लेगा अपने आप। तो ये देखो पार्टिकल आ गए मेरे, अब मुझे जो कैश करना है उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ फाइल कैश लेता हूँ, फाइल कैश, एंड इसको दूसरा नाम रखते हैं, इसका नाम चेंज करेंगे यहाँ से डॉलर ओएस। अब जो भी डॉलर ओएस यहाँ पे करेंगे एंड स्लैश डाल देंगे, तो अब जो भी नोड का नाम होगा वो उसी नाम से आपको फाइल कैश वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लूँगा सॉर्ट पार्टिकल, ओके, एंड देन इसको अब यहाँ पे हमें ये जो मेरी एनिमेशन रेंज है 0 से 104 तक, उसी रेंज में इसको कैश करना है, ठीक है। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे सेव टू डिस्क कर देता हूँ, ओके, तो ये हो चुका है कैश। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपल, अगर ये टिक नहीं आता, आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें ये टिक नहीं लगता ऑटोमेटिकली, तो उस लोड फ्रॉम डिस्क का लगा देना एंड देन उसको चला देना। तो यहाँ पे देखो सिमुलेशन मेरी कितनी प्यारी निकल के आई है, तो सब स्टेप का ही सारा कमा लिए, ओके। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद इजी स्टेप्स हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें जस्ट पायरो सोर्स लगाना है, और उसमें हमें यहाँ पे देना है, यहाँ पे इनिशियलाइज पे सोर्स बर्न, सोर्स बर्न में यहाँ पे बर्न और टेम्परेचर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक वो लेना है एट्रीब्यूट नॉइस, तो डेंसिटी और जो ये है टेम्परेचर वगैरह बर्न वगैरह इसमें हम नॉइस लाएंगे। तो एट्रीब्यूट नॉइस लेता हूँ मैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट नॉइस को लगाएंगे इसमें, और यहाँ पे दे देंगे, मैं इसको फ्लोट कर लेता हूँ, और यहाँ पे दूंगा
बर्न बर्न दिया मैंने, एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे इसको पॉजिटिव किया जाकर मिनिमम मैक्सिमम कर देना, एंड यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लेता हूँ उसको। तो बर्न है, बर्न पे क्लिक करूँगा तो ये अभी पूरा रेड आ रहा है, इसको सही करेंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमम वैल्यू को माइनस में लेके जाता हूँ, मैक्सिमम को थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाता हूँ ऐसे, और इसके बाद एलिमेंट स्केल को कम करेंगे और कम करते हैं, एंड इसको बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से हमने नॉइस क्रिएट कर लिया अपने बर्न में, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से ये रेड है वहाँ से ज़्यादा जलेगा, एंड येलो है वहाँ से कम, उसके बाद वहाँ से जलेगा, इस तरीके से ये बर्न होगा। ओके, तो मैं थोड़ा सा और बर्न को बढ़ा लेता हूँ। इसके बाद सेम फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए भी ऐसे ही कर देते हैं। मैं यहाँ पे टेम्परेचर लूँगा, टेम्परेचर ओके, उसको ऑफसेट कर लेंगे पहले तो, एंड इसको बंद करके टेम्परेचर देखते हैं अपना कैसा दिख रहा है। ये भी सही दिख रहा है, इसको बस जरा सा ऑफसेट कर लिया हमने। ओके, इसके बाद यहाँ पे रेस्टराइज लगाएंगे जो हम करते हैं हमेशा, रेस्टराइज, और यहाँ पे कर देंगे हम इस टेम्परेचर, बर्न एंड वेलोसिटी, तीनों लेने हैं हमें, ठीक है। वेलोसिटी लेना मत भूलिएगा, वरना वो इफेक्ट नहीं आएगा जो शॉर्ट के थ्रू आपका आ रहा है। उसके बाद इसको नॉर्मलाइज कर देंगे, यहाँ पे वॉक्सल साइज 0.02 और पार्टिकल को साइज़ लाइक 0.02 के आसपास रख देंगे, इस तरीके से आने चाहिए, ठीक है। या आप थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इतने रखता हूँ, ठीक है। इतने इसके बाद यहाँ पे पायरो सॉल्वर लगा देंगे डायरेक्टली। जैसे पायरो सॉल्वर लगाएंगे ये फायर में आपको दिखेगा, ये देखो हल्की सी फायर दिख रही, क्योंकि इसका 0.1 है अभी, इसको मैं 0.05 कर लेता हूँ अभी के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से आ रही, और इसको जैसे ही मैं चलाऊंगा तो ये देखो फायर आपकी निकलते हुए दिख जाएगी आपको। ओके, इससे पहले एक चीज़ और, इसमें डेंसिटी भी ले लीजिएगा तो वो स्मोक भी आपकी हैंड वैंड जनरेट कर देगी। डेंसिटी कहाँ है इसके ऊपर एक डेंसिटी एट्रीब्यूट भी बना लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यही बना देगा एट्रीब्यूट नॉइस के थ्रू। तो मैं यहाँ पर डेंसिटी लेता हूँ, डेंसिटी ओके, एंड आप चेक करेंगे यहाँ पर, इसमें डेंसिटी भी दे दें। ओके, तो सही चल रहा है ना, ये देखिए लग रहा बढ़िया, नॉइस वगैरह सब है उसमें, देखिए ये देखिए। अब देखेंगे स्मोक वगैरह जनरेट हो रही है, नहीं ये देखिए स्मोक भी आ गई आपकी, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे, थोड़ा सब स्टेप बढ़ाएंगे तो ये भी वर्क करने लग जाएगा परफेक्टली। नॉइस शायद ज़्यादा हो गई है डेंसिटी में, तो वो कम करेंगे। ओके सॉरी, अब चलाते हैं इसको। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो फायर परफेक्टली निकल रही है, एंड स्मोक भी। अब स्मोक ज़्यादा तेज़ ऊपर जा रही है तो उसको सही करेंगे, स्मोक ज़्यादा तेज़ ऊपर नहीं जानी चाहिए, सोर्सिंग में जाएंगे और टेम्परेचर को कम कर देंगे। मैं इसको पुल स्ट्रेंथ को 10 कर देता हूँ, इसको 0.2 कर देता हूँ। ओके, बाकी यहाँ पर जाना है सेटअप पे, मिनिमम मैक्सिमम सब स्टेप 2-2 कर देने हैं, और शेप पे जाना है, बांसी को कर देना है 0.5, 0.2 भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि ज़्यादा ऊपर जाए, वो वहीं पे ही रह के डिसिपेट हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी वो बिल्कुल भी नहीं हिली, तो इसको 0.5 दे देता हूँ मैं, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। ओके, इसके अब आपको इसका क्या करना है, रेजोल्यूशन बढ़ाना है, वो कहाँ से बढ़ेगा, यहाँ पे आएंगे और रेजोल्यूशन 0.02 एंड यू कैन सी डिटेल देख सकते हैं आप फायर की। ओके, तो जितना इसको बढ़ाएंगे वॉक्सल साइज को उतनी आपकी डिटेल बढ़ेगी, लेकिन थोड़ा सा ये हैवी हो जाएगा जितनी ज़्यादा आप डिटेल बढ़ाएंगे, तो वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग देख के बढ़ाइएगा। बाकी इसमें अगर बाकी हम कल लुक वगैरह की वाइज करें तो मैं थोड़ा सा इसको सिमुलेट करता हूँ, उसके बाद लुक वगैरह देखते हैं इसकी। मान लो कि ये है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मटेरियल सही से डालना है इस पर। तो पहले मैं यहाँ पर एक लाइट क्रिएट करूँगा, लाइट, और इसको जो नाइट है उसको विजिबल करूँगा, तो दिखता रहेगा हमें कैसा सा आ रहा है ये। मटेरियल ऑन करेंगे तो ये इस तरीके से दिखा रहा है, और इस लाइट को कर लेंगे
डिस्टेंस लाइट और हल्का सा रोटेट करके ऊपर लगा देंगे इसको हल्का सा इस तरह से। ये वाला हैंडल कहाँ गया इसका? हाँ ये रहा, लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अंदर जाएंगे यहाँ पे और इसमें आपको मिलेगा यहाँ पे कोलिजन्स में नहीं जाना है, सोर्सिंग में भी नहीं जाना, फील्ड में डिसिपेशन, अच्छा हाँ इसमें डिस्टरबेंस और ऐड कर देना यहाँ से, ये डिस्टरबेंस ऑन कर लेना तो थोड़ा सा और डिस्टरबेंस होगा फायर में तो वो और अच्छी लगेगी। ठीक है, वरना तो मशरूम टाइप से वो बन रहे थे। ओके, अब जो है फ्लेम का जो वो स्पॉन्स फ्लेम की जो ओके तो जो फ्लेम का लाइफ स्पैन है वो 2 है यहाँ पे। अगर मैं इसको कम करता हूँ लाइक 0.2 एंड अब इसको चलाएं तो आप देख सकते हैं फ्लेम जल्दी डिलीट हो रही है, मतलब जा रही है, उसके बाद स्मोक 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 आ रहा है। तो यही हमको चाहिए था, तो 0.2 कर दिया मैंने। और यहाँ पे सब स्टेप के अकॉर्डिंग है, थोड़ा सा और सब स्टेप बढ़ा दीजिएगा, वहाँ से 2 है लेकिन मैं भी नहीं कर रहा, वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं इसको रोकता हूँ एंड थोड़ा सा आगे करके भी रोक सकते हैं ऐसे, ये देखिए। तो यहाँ पे स्मोक 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 जनरेट हो रही है एंड यहाँ पे फायर है। ठीक है, तो अब जितनी फायर आपको कम रखनी है तो वो कम होती जाएगी एंड ये स्मोक बढ़ता जाएगा। इसके बाद लुक की बात करें, यहाँ पे लुक पे आएंगे, डेंसिटी बढ़ा सकते हैं आप स्मोक वगैरह की, ये देखिए कलर वगैरह और चेंज कर सकते हैं ब्लैकिश में मेरा एंड शैडो डेंसिटी। उसके बाद ये जो फायर की इंटेंसिटी वगैरह है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, और इसको जो है रैम के थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है, जितनी आपको फायर चाहिए वो रैम के थ्रू भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं ईजिली। ये देखो इतनी प्यारी लग रही है यहाँ पे, इसी तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप फायर। और ये सिर्फ शॉर्ट से ही नहीं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं, चलते हुए एनिमेटेड ऑब्जेक्ट से आप निकाल सकते हैं फायर इसी तरह से सोर्सिंग करके। ठीक है, एंड इसी को सेम ये असाइन आ जाता है एक मटेरियल पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मटेरियल है, इसी मटेरियल, ये मटेरियल ऑटोमेटिकली इस पर असाइन है। ठीक है, इसको डायरेक्टली ऐसे ही रेंडर कर सकते हैं जैसे ये है। ठीक है, मैं आपको रेंडर करके भी दिखा देता हूँ एक बार कैसा दिख रहा है ये। इसको अगर हम रेंडर करें यहीं पर, कैमरा लगाना पड़ेगा एक, मेरा कैमरा लग गया मेरा एंड इस पर गया मैं मंत्रो कैम्बन और रेंडर। देखिए तो ये एज इट इज़ दिखा रहा है जो आपके व्यूपोर्ट में दिखा रहा था, तो वहाँ से आप सेटिंग्स ट्विक्स वगैरह कर सकते हैं जैसे वहाँ पे उसने की कर रखी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो भी आप यहाँ पे सेटिंग्स करेंगे वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको रेंडर में दिखेगी। ठीक है, ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में, और वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए किसी अदर टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं, मैं उसको आगे शेड्यूल कर लूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।